अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी द्वारा शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान को कोविड महामारी के कारण कुछ दिनों तक स्थगित किया गया था, लेकिन फिर से अभियान को इकाई सदस्यों द्वारा गति दी गई है। वहीं व्यापार मंडल मंडी के जनरल सेक्रेटरी प्रशांत बहल ने भागीदारी दर्ज करवाते हुए कहा कि अगर मंडी में स्थापित क्लस्टर विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाए तो जिला के दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को भी अच्छी सुविधा मिल सकेगी। मंडी को दी गई है हिमाचल सरकार द्वारा। इसका दो साल पहले अपना पड्डल में इस चीज़ का उन्होंने स्टोन भी रखा माननीय मुख्यमंत्री ने, पर जो हम देख रहे हैं कि दो साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इसके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि विद्यार्थी परिषद की मांगे हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी की जो क्लासेज हैं वो बहुत जल्द शुरू करी जाए, राधा इसी सत्र में शुरू हो जाने की है, तो व्यापार मंडल इसका पूरा समर्थन करता है और माननीय मुख्यमंत्री को भी हम इस बारे में जल्द ही एक पत्र लिखकर अवगत कराएंगे कि जल्दी ही क्लासेज यहाँ जो है मंडी में इसकी शुरू की जाए। इससे हमारे जो बच्चे हैं मंडी ही नहीं अपितु आसपास ज़िले के बच्चे जिनको कि शिमला यूनिवर्सिटी या फिर प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में जाना पड़ता है उनके लिए बहुत सहूलियत होगी और मंडी बैठते ही उनको बहुत सारे कोर्सेज की क्लासेज यहीं पर शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से मेरे हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके क्लासेस को मंडी में शुरू करवाया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी के सदस्यों ने क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के वाइस चांसलर से मांग की है कि मंडी में स्थापित क्लस्टर विश्वविद्यालय जल्द से जल्द कक्षाएं शुरू करवाने की मांग थी और सदस्यों को आश्वासन दिलाया था कि इसी वर्ष प्रवेश परीक्षा शुरू की जाएगी, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है। जैसे कि आप सबको यहाँ पर आज 24 तारीख को मंडी के सीरी मंच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई के द्वारा लगभग पिछले एक महीने से यह कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें हमारा पिछले कुछ दिनों से यह कोविड-19 के कारण यह मामला हमने रोक कार्यक्रम अपना रोका हुआ था, जिसको आज हमने पुनः गति देते हुए एक बार फिर से इस क्लस्टर विश्वविद्यालय की और विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने और केंद्र प्रदेश सरकार जो लगातार वो विश्वविद्यालय प्रशासन जो लगातार इस क्लस्टर विश्वविद्यालय से अपना जो विद्यार्थियों की मांगे हैं उससे बार बार विद्यार्थियों को अपना जो है समर्थन नहीं दे पा रही है। ये विद्यार्थी प्रति एक महत्वपूर्ण मांगे कि मंडी में क्लस्टर विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए, जिसका विश्व जो कुलपति है वो पिछले दो सालों से यहाँ कार्यालय खुल चुका है और अभी विश्वविद्यालय से जितनी बार भी विद्यार्थी परिषद ने बात की कुलपति महोदय से, उनका यह कहना है कि हम इसी वर्ष से क्लस्टर विश्वविद्यालय के कक्षाएँ शुरू करने जा रहे हैं। कुलपति या क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा कक्षाएँ शुरू करने के लिए कोई भी या प्रवेश लेने के लिए कोई भी सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, तो इसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मंडी व्यापार मंडल को एक सहयोग लिया गया है, जिसके माध्यम से इस क्लस्टर विश्वविद्यालय के माध्यम से सिर्फ ना कि विद्यार्थियों को ही लाभ होगा, इसके माध्यम से यहाँ का जो एक व्यापारी वर्ग है मंडी शहर का उनको भी यहाँ पर रोजगार का साधन उपलब्ध होंगे। उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने ये अभियान को आज गति देने का एक